हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब शॉप पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कोंकण रेलवे केआरसीएल की तरफ से। दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती है। 4656 के ब्लॉक से ऑल इंडिया जॉब है। दोस्तों, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो को लास्ट ध्यान देखिए, साइट पर बताने वाला हूं। दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनिशियल फॉर 1 ईयर एक्सटेंडेबल भी है। यहाँ पे एई कॉन्ट्रैक्ट यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, डिजाइन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। टोटल पोस्ट की बात करें 42 हैं। यूआर में 27, ईडब्ल्यूएस 3, 6 ओबीसी, 4 एससी और 2 यहाँ पे जो है एसटी के लिए है। इस तरह से है कैटेगरी। सैलरी आपको बेसिक पे जो होता है वही आपको मिलने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन द बेसिक पे फॉलोइंग अलाउंस विल बी पेड एवरी पर्सन अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आपको एचआरए भी मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा सिटी का, ठीक है। डीए जो है आपको मिलने वाला है, ये बस बेसिक दिया गया है। अदर अलाउंस भी आपको छुट्टी, मोबाइल फोन एक्सपेंस, हेल्थ बेनिफिट्स, ट्रेवल फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। तो रेंट हाउस एंड होटल भी आपको मिल सकता है, लीव भी आपको मिलने वाला है। इस तरह से अदर बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। पोस्ट देख लीजिए क्या है। तो अगर आपका रेलवे से रिलेटेड अगर आपने किसी पीएसयू वर्क किया है तो आपको प्योरिटी मिलेगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सीट है, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। इस तरह से वॉक इन इंटरव्यू होगा, देख लीजिए कैसे है। तो जो है टाइमिंग 9 से लेकर 12 बजे के बीच में रहेगा। किस डेट में कब है, तो 5 जून से स्टार्ट होगा, 21 जून तक चलेगा, जिसमें पोस्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। कहाँ पे पहुँचना होगा, नवी मुंबई एग्जीक्यूटिव क्लब, कोंकण रेलवे बिहार रेलवे कॉरपोरेशन में आपको जाना होगा, सेक्टर 40, सी वुड्स वेट्स, नवी मुंबई, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और बोला गया है आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एप्लीकेशन सबमिट द कैंडिडेट इन द पर्सन पर्सनली एलिजिबल कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, ठीक है। कोई आपको TA/DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात पहले से जान लेंगे। 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC वगैरह का सर्टिफिकेट सब होना चाहिए आपका, ये बात ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको, जैसे आपको मेल कर दिया जाएगा तो मेल आईडी, मोबाइल नंबर ध्यान से, भैया गलती मत करिएगा। अदर बोर्ड्स टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड डिसाइडेड है, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको बढ़ाया जा सकता है इस पीरियड को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट ही आपको लेकर जाना होगा, ध्यान रख लीजिए। फ्री से टू ऑफरिंग फॉर एक्सेप्टेड ब्रेव्स, तो इस तरह से है फॉर्म, ये आपको लेके जाना, भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या बात की गई है। इलेक्ट्रिकल के जो है तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपका BE/BTEC है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रहा है, आप अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 ईयर, ध्यान रखेंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। और जो सिविल में है उसमें भी 1 साल के अप्रेंटिस हो या एक्सपीरियंस हो प्राइवेट, और डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में ITI होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ITI, ये सब चीज़ें हैं। AE की बात करें तो आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा है, 6 साल का एक्सपीरियंस हो, 8 साल एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, तो ये सब चीज़ें हैं। भाई कुछ भी डाउट हो कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत।